अध्याय 15 आर्थिक क्रियाओं की समझ। आर्थिक क्रियाएं। हमारे आसपास के लोग अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। कहीं कहीं इन कार्यों से वस्तुओं का उत्पादन होता है, जैसे बांस की टोकरी बनाना, कपड़ा बुनना, खेत में फसल उगाना या कारखाने में सीमेंट तैयार करना आदि। दूसरी ओर कई अन्य कार्यों द्वारा लोगों को सुविधा या सेवा प्रदान की जाती है। उदाहरण के लिए किराना व्यापारी सेवा प्रदान करता है और बस चलाने वाला परिवहन की सुविधा या सेवा देने का काम करता है। इसी तरह बाल काटने वाली भी सुविधा या सेवा प्रदान करती है। यह कार्य वह सेवा भावना वाला कार्य नहीं है जो हम बिना पैसे के अपेक्षा से करते हैं। यहाँ सेवा खरीदी जाती है। वस्तुओं की तरह यहाँ भी पैसे चुकाकर लोग किसी सुविधा या सेवा को खरीदते हैं। इनमें से अधिकांश क्रियाएं ऐसी हैं जिनके लिए हम धन का लेन देन करते हैं। कुछ ऐसी भी क्रियाएं हैं जहाँ वस्तुओं एवं सेवाओं को प्राप्त करने के लिए धन का लेन देन नहीं करना पड़ता है। इनके बारे में आप इसी अध्याय में आगे पढ़ेंगे। सूची क्रमांक 1.1। पहला, किसान द्वारा अनाज उगाना एवं बेचना। दूसरा, मिट्टी से मटके बनाकर बेचना। तीसरा, व्यापारियों द्वारा उत्पादित सामग्री को खरीदना या बाजार में बेचना। चौथा, स्कूल में शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को पढ़ाना। पांचवा, दुकान लगाकर बिस्किट व नमकीन बेचना। छठवा, बढ़ई द्वारा फर्नीचर बनाकर बेचना। सातवां, कारखाने द्वारा कागज बनाकर बेचना। आठवां, जंगल से शहद एकत्र करना एवं बेचना। नौवां, कोसे से धागा तैयार कर साड़ी बनाना एवं बेचना। दसवां, मछली पालन करना एवं बेचना। ग्यारहवां, एक कंपनी द्वारा बॉक्साइट का खनन करना एवं दूसरी कंपनी को बेचना। उपर्युक्त सूची को देखने से स्पष्ट है कि लोग अलग अलग आर्थिक क्रियाओं में लगे हुए हैं। इन्हीं आर्थिक क्रियाओं से उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन धन, मुद्रा की प्राप्ति और विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली सभी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं किसी न किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित होती है। उत्पादन के आधार पर आर्थिक क्रियाओं को हम निश्चित क्षेत्र, क्षेत्रक या सेक्टर में वर्गीकृत कर सकते हैं। इन्हें कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र एवं सेवा क्षेत्र में विभाजित किया गया है। ऐसा करने से इन क्षेत्रों का भारत में कुल उत्पादन में योगदान आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। पहला, कृषि एवं संबंधित क्षेत्र, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स। इस क्षेत्र में उत्पादन की प्रक्रिया मुख्यतः प्रकृति पर निर्भर होती है। इसमें प्राकृतिक प्रक्रियाओं एवं संसाधनों का उपयोग किया जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार की फसलें जैसे धान, गेहूं, मक्का, बाजरा, कपास आदि का उत्पादन किया जाता है। कृषि से संबंधित क्षेत्र में वनोपज भी आती है। उनसे हमें फल, जड़ी बूटियाँ, फूल, गोंद, शहद सहित कई उपयोगी वनस्पतियाँ प्राप्त होती हैं। इसी प्रकार अन्य क्षेत्रों में पशुपालन, मत्स्य पालन जैसे क्षेत्र भी सम्मिलित होते हैं। दूसरा, उद्योग क्षेत्र, इंडस्ट्रियल सेक्टर। इस क्षेत्र में लोग अपने श्रम एवं मशीन औजार के प्रयोग से विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग के कार्य करके वस्तु का उत्पादन करते हैं, जैसे बांस को विनिर्मित कर टोकरी बनाना, गन्ने से गुड़ बनाना, चमड़े से जूता बनाना, चूना पत्थर से सीमेंट बनाना आदि। उद्योग का अध्ययन मुख्य रूप से कुटीर उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग एवं वृहद उद्योग के रूप में किया जाता है। घरों में बहुत छोटे पैमाने और अधिकतर परिवार के सदस्यों से की जाने वाली वस्तुओं के उत्पादन को हम कुटीर उद्योग की श्रेणी में रखते हैं। कुटीर उद्योगों की तुलना में लघु उद्योगों में श्रमिकों की संख्या
और पूंजी की मात्रा अधिक होती है। इनमें कुछ छोटी या मध्यम मशीनों का उपयोग करके उत्पादन किया जाता है, जैसे धान मिल, छपाई कारखाना, ईंट भट्ठा व छोटे कलपुर्जों को बनाने वाला कारखाना। ऐसे उद्योग लघु उद्योगों की श्रेणी में आते हैं। वृहद उद्योग में लघु उद्योगों की अपेक्षा और भी ज़्यादा पूंजी और संसाधनों का उपयोग किया जाता है। वस्तुओं का उत्पादन बड़े कारखानों में होता है, जिसके लिए बड़ी संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। सीमेंट एवं इस्पात के कारखाने इसके उदाहरण हैं।